एनटीएयूजीसी ने यानी निमिज ने डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास 4। आज किस क्लास में हम जानने वाले हैं मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड के बारे में आज हम जानने वाले हैं। और इसमें हम मुख्य रूप से लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, समूह शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, मिश्रित शिक्षण, ब्रेनस्ट्रॉमिंग मेथड इत्यादि के बारे में बात करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हमारे लिए, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले हम थ्योरी क्लास करेंगे। थ्योरी में हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं उसका हम लाइव मॉक टेस्ट लेंगे। और आप देखना आपने इस दौरान क्या सीखा है और कितना कुछ आपको आया है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, पहले थ्योरी देखना और उसके बाद में लाइव मॉक टेस्ट जरूर देना। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2023 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022-23 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आ चुके हैं वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000 से 8,000 रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर किस तरह का मेथड अपनाया जाता है टीचिंग का। देखिए इसके अंदर सबसे पहले बात आती है टीचर सेंटर मेथड की बात आती है कि टीचर किस किस तरह का मेथड अपनाता है। सबसे नंबर एक पे दोस्तों व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड है और ये काफ़ी पुराना मेथड है दोस्तों, सदियों से चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रदर्शन विधि, समूह शिक्षण, समीक्षा विधि और प्रश्नोत्तरी। इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर व्याख्यान विधि की बात करते हैं। जैसा कि बात से पता चल रहा है दोस्तों लेक्चर मेथड यानी कि इसके अंदर हम व्याख्या करते हैं किसी चीज़ की, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में जेम्स एम ली ये क्या कहते हैं, व्याख्यान एक समूह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक किसी विशिष्ट प्रकरण या समस्या पर सावधानीपूर्वक व्याख्यान तैयार करता है, उसके बारे में बताता है, विवरणात्मक भाषण देता है, औपचारिक भाषण देता है, फॉर्मल भाषण देता है, उसके ऊपर पूरे डिटेल से उसके बारे में समझाता है लेक्चर के दौरान, व्याख्यान के दौरान। इसमें शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है और विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है। सीधी सी बात है दोस्तों, जब हम लेक्चर सुनते हैं किसी का तो हम आराम से बैठ जाते हैं और उसकी बातें सुनते रहते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होता है, टीचर इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और इसमें प्रश्नोत्तरी विधि का यूज किया जा सकता है दोस्तों। व्याख्यान विधि की क्या क्या विशेषताएँ हैं, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति होती है यानी कि इसके अंदर पूरा कंट्रोल होता है, जो टीचर है वो ही अपने हिसाब से बताएगा, अपने हिसाब से क्लास शुरू करेगा, अपने हिसाब से बीच में रुकेगा, यानी कि पूरा प्रभुत्व होता है टीचर के पास में। संप्रेषण शिक्षण नीति होती है, इसमें व्याख्यान, कथन एवं विवरण ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। इसमें कथन होते हैं, विवरण यानी कि डिटेल से कोई चीज़ बताई जाती है, प्रस्तुतिकरण पर जोर दिया जाता है, अच्छे से प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट की जाती है कोई चीज़ ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ सके। तकनीकों एवं सहायक साधनों का प्रयोग ये हो सकता है दोस्तों, जो टीचर है वो चाहे तो अलग अलग तकनीक का यूज़ कर सकता है व्याख्यान विधि के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि एक एम होता है, किसी एम को लेकर ही व्याख्यान दिया जाता है।
और आगे हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षण सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। व्याख्यान विधि में क्या क्या शिक्षण सिद्धांत हो सकते हैं। बोले गए शब्दों की प्रभावशीलता, जब हम लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर प्रभावशीलता होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम रुक गए और ज़्यादा ज़्यादा रुक गए, कम रुक गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही तरीके से हमारा उसके अंदर प्रभाव होना चाहिए। उद्देश्य की प्राप्ति, जो हम लेक्चर दे रहे हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए और वो उद्देश्य पूरा भी होना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे मान के चलिए कि हम कई बार देखते हैं क्लास के अंदर एक टीचर है, टीचर 2 घंटे तक लेक्चर दे रहा है दे रहा है दे रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ है ना, मेन चीज़ वो करता ही नहीं है, मेन चीज़ वो बताता ही नहीं है। इसी तरीके से हम यूट्यूब पर भी देखते हैं ना, यूट्यूब पर आप कई बार इरिटेट हो जाते हो और कहते हो कि क्या वीडियो है ये, इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो तो इसने बताई नहीं और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये है दोस्तों, उसके अंदर उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं व्यक्तिगत संपर्क होना चाहिए। अगर हमें बहुत अच्छे तरीके से वो टीचिंग करनी है तो स्टूडेंट को ये लगना चाहिए कि ये जो चीज़ है, जो व्याख्यान दे रहा है, ये हमसे रिलेटेड है। व्यक्तिगत संपर्क होना चाहिए। पूर्व ज्ञान तथा समन्वय, पूर्व ज्ञान होना चाहिए। जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ये नहीं है कि लेक्चर देते गए देते गए देते गए उसके बारे में अच्छे से पता ही नहीं है। स्पष्टीकरण के लिए मौका, स्पष्टीकरण होना चाहिए उसके अंदर। कौशलों का विकास, यानी कि स्किल ऐसा होना चाहिए लेक्चर हमारा जिससे स्किल में भी वृद्धि हो सके। और भी काफ़ी तरह की चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरकता प्रदान करने वालों करने का साधन, यानी कि वो कंप्लीटनेस आनी चाहिए हमारे लेक्चर के दौरान। ये ना हो कि किसी चीज़ को आधा अधूरा हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों व्याख्यान विधि की दोष क्या है, क्या लिमिटेशन है इसकी। इसमें देखिए, अधिगम का प्राकृतिक साधन नहीं है। ये देखिए, अधिगम यानी कि सीखने का ये नेचुरल तरीका नहीं है दोस्तों। इसके लिए क्या है कि एक व्याख्यान देने वाला होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए। हम नेचुरल तरीके से नहीं सीख सकते इसको। शिक्षण केंद्रित होता है ये, शिक्षक केंद्रित होता है, सॉरी, इसके अंदर टीचर सेंटर में होता है। इसके अंदर शिक्षण का अधिक बोझ, इसके अंदर जो टीचिंग का बहुत ज़्यादा बोझ हो सकता है। अकुशल शिक्षक, अगर जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो अच्छे से ज्ञान नहीं है, उसको किसी चीज़ का अच्छे से पता नहीं है, तो हमारी स्टडी अच्छे से नहीं होगी। और पाठ्य पुस्तक का विकल्प, इसके अंदर क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक का विकल्प नहीं होता। हमें क्या है कि पूरे 1 घंटे उनके सामने सुनना है, उनको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तैयार सामग्री, और आगे हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है ये, निम्न कक्षाओं के लिए अनुकूल नहीं है। जो छोटी कक्षाएं हैं दोस्तों उनके लिए अनुकूल नहीं है। और क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग उपयोगी नहीं है। क्रियात्मक उद्देश्यों की, जो एक्शन बेस कोई कार्य है, जैसे प्रैक्टिकल बेस कोई चीज़ है, तो उसके अंदर ये सही तरीके से लागू नहीं होता। प्रैक्टिकल बेस चीज़ के अंदर क्या है दोस्तों, हमें प्रैक्टिकल करके देखेंगे किसी चीज़ को, तभी वो हमें समझ में आएगी। केवल लेक्चर सुनने से हम किसी चीज़ को अच्छे से नहीं समझ सकते, काफ़ी बार हमें प्रैक्टिकल भी करके देखना पड़ता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात करते हैं। लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम लेक्चर भी देते हैं प्लस में डेमो भी करके दिखाते हैं इसके अंदर। और ये काफ़ी प्रभावशाली विधि है दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन। और इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, और हम कोशिश करेंगे लाइव मॉक टेस्ट में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको करवाएं। विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं, इसके अंदर दोनों एक्टिव रहते हैं। शिक्षक सैद्धांतिक भाग का विवेचन करने के साथ साथ नीति का सत्यापन भी करता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, लेक्चर तो देते ही है, ठीक है। जैसे लेक्चर के दौरान उसने कुछ सिद्धांत बताया तो वो बताएगा कि ये कहाँ पे यूज होगा, किस तरह से यूज होगा, वो डेमो करके दिखाएगा ताकि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। यानी कि इसमें दोनों तरह की चीज़ें होती है, लेक्चर भी होता है और डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती है, छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी। अगर हमारी क्लास का जो साइज़ है वो छोटा होगा तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। शिक्षण में कम समय लगना, इसमें कम समय लगेगा बच्चे को समझने में। अगर हम थ्योरी 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 गा रहे हैं, बता रहे हैं, तो अच्छे से नहीं समझ पाएगा बच्चा। स्वयं देखकर सीखना, अगर हमें हमारे सामने कुछ डेमो हो तो हम उसको देख के अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं।
सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझना, ये वही सारी चीज़ें दोस्तों। थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम डेमो करके देखेंगे, तो हमारे पास सिद्धांत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके दोष क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग करने के अवसर ना मिलना, इसके अंदर हो सकता है कि टीचर खुद ही डेमो कर रहा है, तो वो क्या है कि उसके अंदर अगर विद्यार्थियों को मौका नहीं मिलेगा तो वो अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल देता हूँ उसको आपको, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं हम, है ना, रोटी बनाते, अगर हमें 100 बार भी बताया जाए भाई ये बेलन होता है और ये चकला होता है, चकले के ऊपर हम आटा रखते हैं और आटे को इस तरह से बेलते हैं, इस तरह से बेलते हैं, अगर ये चीज़ हमें डेमो करके 1000 बार भी बताई जाए, तो क्या हम 1000 के बाद पहली बार में ही रोटी बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे ना। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, हमारे लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल डेमो देखना ही ज़रूरी नहीं है, खुद भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और हम बात करते हैं ठीक ठीक प्रकार से प्रयोगों का निरीक्षण नहीं करना। अगर हम वही बात आ रही है दोस्तों, अगर कोई प्रयोग प्रयोग हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, उसको हम अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे, कुछ चीज़ मिसिंग हो जाएगी, तो वो इनकम्प्लीट जानकारी होगी। और इसके अंदर है विद्यार्थियों की अभिरुचि, कार्यक्षमता, तर्कशील कल्पना तथा स्वतंत्र चिंतन जैसे गुणों का समुचित विकास न होना। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि मान के चलिए किसी स्टूडेंट की जो इच्छा है वो कम हो सकती है उस काम को करने में, वो डेमो करने में उसकी इच्छा ना हो, तो अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार, अलग अलग स्टूडेंट के अनुसार इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति सभी की अलग अलग हो सकती है। हो सकता है मान के चलिए किसी को हम थोड़ा सा ही डेमो दे, वो कहते हैं ना समझदार को इशारा ही काफ़ी है। कई बच्चे होते हो ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा सा बताने से वो समझ जाएंगे, तो टीचर क्या सोचेगा भाई मैंने थोड़ी सी चीज़ समझा दी, सभी को चीज़ समझ में आ गई, लेकिन हो सकता है दूसरे स्टूडेंट को समझ में ना आए, तो ये इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है समूह शिक्षण, टीम टीचिंग। जैसा नाम से पता चल रहा है दोस्तों, इसके अंदर समूह शिक्षण में दो या दो से अधिक शिक्षक एक ही समय में बच्चों को ज्ञान देते हैं। दोबारा से देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है, समूह शिक्षण में दो या दो से अधिक शिक्षक यानी कि टीचर, दो दो या दो से अधिक टीचर एक ही समय में बच्चों को ज्ञान देते हैं। इसमें हो सकता है एक शिक्षक सैद्धांतिक बातों का जिक्र करे तो दूसरा शिक्षक बच्चों को व्यवहारिक रूप से बात समझाए। ये वही चीज़ आगे दोस्तों, हो सकता है एक टीचर थ्योरी बताए और दूसरा टीचर उसको प्रैक्टिकल करके दिखाए, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों इसके अंदर। इस दौरान विचार गोष्ठी, परिसंवाद, पैनल चर्चा भी हो सकती है। समूह शिक्षण के क्या क्या लाभ है दोस्तों? इस विधि में बच्चों द्वारा सबसे अधिक विषय को साझा किया जाता है, यानी कि जब दो टीचर मिलके पढ़ाएंगे, तीन टीचर मिलके पढ़ाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा विषयों को हम समझ पाएंगे। इसमें काफ़ी तरह के उपकरणों और शिक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अलग अलग टीचर होगा, उनके पढ़ाने का तरीका अलग होगा, टेक्निक अलग होगी, तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसके जरिए शिक्षण में काफ़ी सुधार किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही है दोस्तों, काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है टीचिंग के अंदर। समूह शिक्षण की क्या क्या नेगेटिव बातें दोस्तों, क्या क्या हानि है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें अधिक शिक्षक की आवश्यकता होती है, ठीक है, जैसे ऊपर पता ही चल रहा है ना, जैसे समूह शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्ति पढ़ाए, टीचर पढ़ाए, तो सीधी सी बात है उसमें ज़्यादा टीचर की आवश्यकता होगी हमें। यह विधि सभी विषयों को पढ़ाने में उपयोगी नहीं है, हो सकता है कई ऐसे हो जिसके अंदर हमें ज़्यादा टीचर की ज़रूरत ही ना हो, एक ही टीचर अच्छे तरीके से समझा सके। इस विधि में विशेष ज्ञान वाले शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अब देखिए अगर इसके अंदर विशेष नॉलेज वाला टीचर नहीं है, अगर हम ऐसे ही कोई टीचर ले आए, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हमें अलग अलग विषय के हमें स्पेशलिस्ट लेके आने पड़ेंगे, तभी हमारी समूह शिक्षण विधि कामयाब होगी। इस विधि में योजना निर्माण और निर्धारण में काफ़ी समय लग जाता है, इसमें पूरी प्लानिंग बनानी पड़ती है, कब कौन पढ़ाएगा, कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण की प्रायोगिक विधि है,
ठीक है, जैसे माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म, जैसे नाम से पता चल रहा है, छोटे लेवल पे कार्य करना, छोटे लेवल पे टीचिंग करना। सूक्ष्म शिक्षण कम समय में अधिक लाभान्वित करने का तरीका है, यानी कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देने की कोशिश करते हैं। चल का प्रयोग कर बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप को इसके अंदर पढ़ाया जाता है काफी अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, इसके अंदर कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। माइक्रो टीचिंग, जैसे नाम से पता चल रहा है, सूक्ष्म, छोटे लेवल पे बच्चों को समझाना। अगर हम छोटे लेवल पे समझाएंगे बच्चों को, तो एक तो क्या होता है कि छोटे लेवल पे बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, हेजिटेट नहीं होते। एक तो मान के चलिए क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, तो उसके अंदर वो कतराएंगे, वो हेजिटेट होंगे कोई भी क्वेश्चन पूछने में। लेकिन अगर 10 ही बच्चे हैं, तो उनके अंदर हो सकता है वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे। तो इसके अंदर ये है दोस्तों, और काफ़ी तरह की चीज़ें दोस्तों, आप यहाँ से पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल इसके अंदर नहीं है। इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों, हम विशेषताएं देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि कोई भी अगर हम नई टेक्निक सिखा रहे हैं, नई स्किल सिखा रहे हैं, तो बच्चा क्या है कि उसे जल्दी आत्मसात करेगा, जल्दी उसको अपनाएगा, छोटे लेवल पर अगर हम उसको करेंगे। अगर बड़े लेवल पर करेंगे तो जल्दी से सीख नहीं पाएगा, जल्दी से उसको अपना नहीं पाएगा। और इसके अंदर क्या है, कई शिक्षण कौशल में योग्य बनाता है। इसके अंदर क्या है कि छोटे लेवल पे जब हम करेंगे तो नई नई स्किल बच्चा सीख सकता है उसके अंदर। और इसके अंदर क्या है, शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाता है। उसमें क्या है कि कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, जब बच्चे को हम छोटे लेवल पे पढ़ाएंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। ये चीज मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो दोस्तों कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल आसान, आप कर लेना। और माइक्रो टीचिंग का साइकिल का है, साइकिल आप देख लेना दोस्तों, और ये कर लेना, क्योंकि एक बार इसमें से पहले क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले इसके अंदर लेसन प्लानिंग करते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, उसके बाद में शिक्षण टीचिंग करते हैं, फिर प्रतिपुष्टि करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लेसन की प्लानिंग बनाते हैं, भाई कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, उसके बाद में हम टीचिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से, क्या उनका जवाब है, क्या उनको समझ में आया है या नहीं आया, उनसे हम फीडबैक लेते हैं। फिर क्या करते हैं, पुनः पाठ योजना बनाते हैं, री लेसन प्लानिंग बनाते हैं। जो हमने फीडबैक लिया है उससे हम देखते हैं भाई बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया, तो उससे हम री लेसन प्लानिंग बनाते हैं। फिर पुनः टीचिंग करते हैं, दोबारा से टीचिंग करते हैं, और फिर दोबारा से इसके अंदर फीडबैक लिया जाता है। तो दोस्तों ये साइकिल भी देख लेना आप, माइक्रो टीचिंग का, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, समूह शिक्षण की विशेषता क्या है, माइक्रो टीचिंग की क्या क्या खूबियाँ हैं। इसमें जो संख्या होती है दोस्तों बच्चों की, 5 से 10 के बीच होती है। शिक्षण अवधि 5 से 10 मिनट के बीच में होती है। और ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो इसमें से क्वेश्चन आ चुका है कि शिक्षण की अवधि कितनी होती है। तो इसके अंदर अवधि होती है 5 से 10 मिनट के बीच में होती है। वास्तविक छात्रों की जगह अधिकांश सहपाठी ही छात्र की भूमिका अभिनीत करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब छोटे लेवल पे होते हैं तो हम भी डिस्कस करते हैं, जो बच्चे होते हैं ना वो भी डिस्कस करते हैं एक दूसरे से कि ये तो ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे है वैसे है। क्या, क्योंकि वहां पे ना उनको बिल्कुल एज ए फ्रीडम, वो अपने आप को फ्री समझते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर बात करने का, कुछ भी चीज समझने का। इसमें पुनः सुधार का अवसर, अगर बच्चा गलती कर देता है तो वो दोबारा से उसको ठीक कर सकता है, क्योंकि उसको डर नहीं है ना कि ज़्यादा नहीं है, मेरी बेइज्जती नहीं होगी, तो वो बिल्कुल आसानी से दोबारा से उसको ठीक कर सकता है। यह छात्र अध्यापक केंद्रित होती है। ये क्या है दोस्तों, दोनों इसके अंदर होते हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों के दोनों सेंटर में होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हम बात करें दोस्तों, ये पढ़ लेना, वैसे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान आसान है। यह लघु अवधि में अधिक दक्ष बनाती है, ये कम समय में ज़्यादा नॉलेज देती है, ज़्यादा हमें दक्ष बनाती है, ज़्यादा कैपेबिलिटी हम में विकसित करती है। प्रतिपुष्टि तुरंत प्राप्त होती है, फीडबैक जो होता है दोस्तों बहुत जल्दी प्राप्त होता है, स्टूडेंट से भी, टीचर से भी, हर जगह से। इसके अंदर देख लेना दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे हम बात करते हैं समीक्षा विधि। इस विधि के अंदर क्या होता है, चर्चा विधि, समूह शिक्षण, व्याख्यान विधि, इन सभी अवलोकन करने को समीक्षा विधि कहते हैं। यानी कि एनालिसिस करना, सीधी सी बात है, समीक्षा करना। समीक्षा का मतलब क्या होता है दोस्तों, समीक्षा का मतलब ये होता है जो सच, जो सही है सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, यानी कि सही फीडबैक देना, सही तरीके से उसका अवलोकन करना, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा समीक्षा विधि होता है।
इसमें शिक्षक अवलोकन करता है कि उसने क्या पढ़ाया है, कितना काम रह चुका है, उससे क्या क्या गलतियां हुई है और उसे आगे कैसे बढ़ाना पढ़ाना है। तो वो पूरी समीक्षा करता है, पूरा एनालिसिस करता है अपने आप का। आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्नोत्तरी विधि। इसके अंदर इस विधि को सुकरात विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विशेष रूप से तीन बातों पर ध्यान दिया जाता है। नंबर एक पे दोस्तों प्रश्न निर्माण, क्वेश्चन का निर्माण किया जाता है। नंबर दो पे प्रस्तुतिकरण, उनको प्रेजेंट किया जाता है। नंबर तीन पे बच्चों द्वारा ही नवीन ज्ञान देना, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों, इसके अंदर मुख्य रूप से प्रश्नोत्तरी की जाती है, एक दूसरे से प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल जवाब किए जाते हैं, और इस विधि में बच्चे अधिक सक्रिय रहते हैं। और हमने क्लास में भी देखा ना दोस्तों, आपको अगर याद हो तो, जैसे छोटी क्लासों के अंदर पहले क्या होता था कि जैसे एक मॉनिटर को खड़ा कर दिया जाता था और वो उसे टीचर कहता था कि सभी से तेरे को क्वेश्चन सुनने हैं, ठीक है। और हमारी क्लास में जो मॉनिटर होता था, सभी की क्लास में होता था, वो सभी से क्वेश्चन सुनता था। और क्या करता था पता है, जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता था, जो उसके मित्र होते थे, दोस्त होते थे, उनसे वो बहुत ही आसान क्वेश्चन सुनता था और उनको बैठा देता था, ठीक है। ऐसा होता था ना, तो काफी मजा आता था उस टाइम। अगर आपकी ऐसी कोई याद है ना तो जरूर बताना दोस्तों, जरूर बताना कि क्या आपकी क्लास में कभी ऐसा हुआ है, क्या आपने आपने क्वेश्चन सुने बच्चों से क्लास में खड़े कर करके, और आपने किसको बैठाया है, अपने मित्र को बैठाया है या नहीं बैठाया है, तो बताना बताना दोस्तों, जरूर बताना कमेंट बॉक्स के जरिए। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर कि उद्देश्य क्या क्या होते हैं प्रश्नोत्तरी विधि के अंदर। पूर्व ज्ञान को जांचना कि पहले उसको कितनी नॉलेज है, अभिप्रेरणा जागृत करना, कठिनाई जानना, ज्ञान का प्रयोग करना, सक्रिय सहयोग प्राप्त करना, चिंतन व मौलिकता को विकसित करना, आत्मविश्वास में वृद्धि करना, और अनुशासन, पुनरावृत्ति। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों प्रश्नोत्तरी विधि के अंदर, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ग्रुप डिस्कशन मेथड के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम किसी भी प्रकरण यानी कि कोई हमारा कॉन्सेप्ट है उसको लेके, या किसी समस्या को लेके उससे संबंधित पूर्णता पे विचार करते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों पे हम विचार करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते, एक दूसरे से सवाल जवाब करते, भाई इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, यानी कि पूरा उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें संबंधों का विश्लेषण किया जाता है, उनकी तुलना तथा उनका मूल्यांकन किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। और क्या क्या टाइप हो सकते हैं दोस्तों इसके, डिबेट हो सकते हैं, सिंपोजियम हो सकते हैं, पैनल डिस्कशन हो सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकते हैं। मेरिट ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या है दोस्तों, स्पष्टीकरण होना, चिंतन का विकास होना, समाधान की अभिवृत्ति तथा सृजनात्मकता का विकास, अज्ञात की खोज होना, ज्ञान एवं चिंतन का विकास और सहनशीलता का विकास, सभी स्तरों के लिए उपयोगी, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान हो जाती है इसके अंदर। जो ग्रुप डिस्कशन करेंगे और उसके अंदर जो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, और जो स्टूडेंट कतराएगा बोलने से, जो बताएगा नहीं अच्छे से, तो वो पता चल जाएगा इसको नॉलेज कम है। उद्देश्यों की उपलब्धि, सामूहिक निर्णय लेना, ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या होता है, हम सामूहिक निर्णय लेते हैं, सामूहिक अधिगम, एक साथ हमारा विकास होता है, सभी का विकास होता है। मान के चलिए एक कोई व्यक्ति ग्रुप के अंदर कुछ बातें बता रहा है तो उसको सुनने वाले तो बहुत से लोग हैं ना, तो उन सभी का विकास हो रहा है, सभी का अधिगम हो रहा है, सामाजिक अधिगम। हमें ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से सुनना चाहिए, तो हमें सोशल अधिगम भी होता है, सोशल लर्निंग भी इसमें होती है। इसकी सीमाएं क्या हो सकती है, इसके दोस्त क्या क्या हो सकते हैं, सभी प्रकरणों या इकाइयों के लिए ये अनुकूल नहीं हो सकता। भटकने के अवसर, इसमें हम भटक सकते हैं क्योंकि ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है कोई कोई बात करे, कोई कैसी बात करे, कोई कैसे इशारे करे होता है ना ऐसा, जब मान लो ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो काफ़ी बार स्कूल, यार जब मैं टीचिंग करता हूँ तो कितना यादें आती हैं हमारे स्कूल की, तो उसके अंदर क्या होता था, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो आप ज़रूर बताना। टीचर क्या करता था कि मेज़ के ऊपर वो समझाता था, क्वेश्चन समझाता था, और कहता था कि सभी बच्चे आ जाइए, चारों ओर खड़े हो जाइए। तो वो चारों ओर खड़े हो जाते थे और तो एक दूसरे के पता है क्या करते थे, पीठ पे पेन चला देते थे, किसी को थप्पड़ मार देते थे पीछे से, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे, छेड़ते थे, मजे लेते थे, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, भटकने के अवसर हो सकते हैं। एकाधिकार,
और गुटबंदी भी हो सकती है इसके अंदर, अरुचिकर भावनाएं एवं तनाव इसके अंदर हो सकता है, सेकेंडरी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है ये। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है, इसके अंदर क्या है दोस्तों, समस्या एवं रचनात्मक अमुख 1963 में एस बोर ने इसको दिया था दोस्तों, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के बारे में 1963 में एस बोर ने बताया था, इसको हम विचार मंथन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, समूह के सदस्य किसी समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, इसके अंदर कोई समस्या दी जाती है बच्चों को और बच्चे उसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से वाद विवाद भी कर सकते हैं। इसके अंदर शिक्षक सभी के पॉइंट को किसी बोर्ड या कागज पर लिखता है, कोई समस्या दे देता है और पूछता है भाई हाँ जी इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए। अब अलग अलग स्टूडेंट बताते हैं कि सर इसका आंसर ये आएगा, ऐसे आएगा। हम क्लास में हुआ है ना, पहले एक क्वेश्चन देता था सर, और फिर कहता था भाई बता इसका आंसर क्या आएगा, वो कहता था सर इसका ये, उसका बोर्ड पे लिख देता था। इस तरह से 5-10 स्टूडेंट के लिखता है और फिर लास्ट के अंदर टीचर हमें बताता है कि इसका रियल में आंसर ये होगा और इस तरह से होगा। और इसके क्या क्या चरण हो सकते हैं दोस्तों, समस्या का नियोजन करना, उप समस्या का चुनाव करना, समस्या के संबंध में योजना बनाना, ये शायद यहाँ पे फॉन्ट गलत हो गया है यहाँ पे, साधनों का चयन, आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, विचारों का निर्णय करना, विचारों का चयन करना, विचारों का परीक्षण। और ये देख लेना दोस्तों, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, इसमें आए हैं वैसे आए हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में से 2 क्वेश्चन आए हैं आज तक, फिर भी आप इनको देख लेना दोस्तों। लाभ क्या क्या है दोस्तों, ध्यान उत्तेजित करना, इससे क्या है कि अट्रैक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, अभिरुचि का विकास, कल्पना का विकास, स्टूडेंट सोचते हैं भाई हाँ इसका क्या आंसर आ सकता है, क्या आंसर आ सकता है, बहुत अच्छे तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, विचारों का विकास, समाधान खोजना, उसमें देखते हुए इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है इसका, प्रसन्नता एवं संतुष्टि। प्रसन्नता कब होती है, जब मान के चलिए 10 स्टूडेंट से हमने पूछा क्वेश्चन और 10 में से 2 स्टूडेंट का राइट हो जाता है और हम कहते हैं भाई इन 2 स्टूडेंट का राइट हुआ है, तो उनको बहुत खुशी होती है इसके अंदर। तो ये चीज़ें दोस्तों इसमें। आगे हम बात करते हैं इंडिविजुअल टीचिंग मेथड के बारे में, इसके बारे में जे एस बर्नर ने बताया था, और इसके अंदर जैसे नाम से पता चल रहा है इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से पढ़ना इसके अंदर, और इसमें नवीन ज्ञान की खोज करनी पड़ती है, इसमें तथ्यों की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है जिसमें नवीन तथ्यों का बोध होने लगता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम मान के चलते हैं हम डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ते हैं, तो उसमें हमें खुद खोजना होगा कि किस तरह से हमें पढ़ना है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो उसका प्रॉब्लम भी हमें खुद सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे हम व्यक्तिगत रूप से पढ़ रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हमें टीचर आए कोई बताने के लिए या कोई बुक हमारे पास हो। तो ये होता है दोस्तों इसके अंदर। विशेषताएं क्या होती है, इसके अंदर खोजकर्ता बन जाता है इंसान, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जब मैंने डिस्टेंस एजुकेशन की थी तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को फाइंड आउट करनी पड़ी थी, बहुत फाइंड आउट करना पड़ा था मेरे को, कहीं से हेल्प नहीं मिल रही थी, तो खोजकर्ता बन जाता है अपने आप में। चिंतन एवं सूझबूझ का उपयोग करता, वो सोचता है और वो देखता भी क्या सही है क्या गलत है, कैसे करूँ मैं क्या ना करूँ, तो वो काफ़ी सोचता उसके बारे में। रचनात्मक चिंतन के विकास में सहायक, इसमें क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, अभी हम किसी चीज़ को किस तरह से जल्दी कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, ये हमारे क्रिएटिविटी आनी शुरू हो जाती है इसके अंदर। रोचकता बढ़ती है इसके अंदर, नए ज्ञान की खोज होती है इसके द्वारा। विश्लेषण एवं संश्लेषण की क्षमता विकसित होती है, क्योंकि जब हम खुद करके देखेंगे तो उसमें हमारा माइंड बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। और प्राप्त ज्ञान स्थाई, इसके अंदर जो ज्ञान प्राप्त होगा ना वो स्थाई होगा। वो स्थाई क्यों होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने खुद की है, प्रैक्टिकल की है, अपनी ओर से की है, इसलिए ये क्या होगा, स्थाई होगा, परमानेंट होगा। इसकी सीमाएं क्या हो सकती है, क्या क्या दोष हो सकते हैं, विषय प्रकरण पर लागू नहीं है, यानी कि हर किसी चीज़ के ऊपर ये लागू नहीं हो सकता। शिक्षण मंद गति, इसके अंदर जो शिक्षण है दोस्तों वो धीमी गति से हो सकता है। अब देखिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी, अपने आप सीखी होंगी, जैसे कंप्यूटर चलाना अपने आप सीखना, ठीक है। हम कोई चीज़ अपने आप सीख तो लेते हैं लेकिन उसके अंदर
टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर वहाँ पे हमें कोई टीचर बताने वाला हो, कुछ कोई हेल्प करने वाला हो, तो उस चीज़ को हम जो चीज़ हम 1 साल में सीख रहे हैं ना अपने आप, वो हो सकता हम 3 महीने में सीख जाए। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं स्वतंत्र अध्ययन नीति, ओपन लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है, प्रोजेक्ट वर्क, विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में कार्य करना, स्वतंत्र रूप से समस्याओं को हल करना, व्यक्तिगत गुणों का विकास मूल। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, भाई तू जो चाहे वो कर ले। देखिए हमारे वो होते था ना, जैसे स्कूल के अंदर लास्ट की घंटी होती थी, कई बार आपको पता होगा, उसके अंदर ये होता था, पूरी छूट थी, किसी भी विषय का काम करो, कुछ भी करो, पूरी छूट थी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, एज ए ओपन लर्निंग उसको हम बोलेंगे। यहाँ पे पूरी छूट होती है स्टूडेंट को भी, वो कुछ भी करे। और इसके अंदर क्या होता है, असाइनमेंट मेथड के अंदर, इसमें आगे दोस्तों हमारे पास असाइनमेंट मेथड, अभिप्रेरणा और अंतर्दृष्टि या समझ विकसित करना। ये फिर से फॉन्ट चेंज हो गया, देखिए इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है दोस्तों, हम ठीक कर रहे हैं। जब हम पीडीएफ क्रिएट करते हैं ना, तो पीडीएफ क्रिएट करने में फॉन्ट चेंज हो जाते हैं, काफ़ी बार ये प्रॉब्लम होती है। अध्ययन की आदत विकसित करना, असाइनमेंट मेथड, देखिए असाइनमेंट जब हम किसी को देते हैं, कुछ वर्क करने को देते हैं, तो उससे आदत पड़ जाती है, काम करने की आदत पड़ जाती है बच्चे के अंदर। और निर्देशन प्रदान करना, आत्म प्रेरित कार्य एवं सहयोग को प्रोत्साहन देना। जब हम असाइनमेंट देते हैं तो बच्चे के अंदर क्या, आत्म प्रेरित, वो अपने आप को प्रेरित करता है, भाई मेरे को ये काम करना है, अगर मैं काम करूँगा तो मेरे को कल गुड मिलेगा, वेरी गुड मिलेगा, है ना, याद है वेरी गुड मिला है, मिला है या नहीं मिला, मिला तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना किन किन को वेरी गुड मिला है, और वेरी गुड मिलने में कितने खुश होते थे। आज चाहे कुछ भी दे दो, है ना, आज वो खुशी है ही नहीं यार, क्या करें क्या करें, ऐसा मन कर रहा है ना दोबारा से बच्चे बन जाए और फिर वेरी गुड ले। कितना मजा आता था यार एक छोटे से वेरी गुड के अंदर, तो क्या करें, यादें हैं बस। ये पढ़ लेना दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इमोशनल चैप्टर है ये टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर ऐसे देखे तो कुछ भी नहीं है, अगर ध्यान से पढ़े, फीलिंग में बह के पढ़े, तो काफ़ी इमोशनल है ये जी। और क्या क्या प्रकार हो सकते हैं इसके, ये देख लेना दोस्तों, निपुणता, ड्रिल संबंधी, अनुसंधान संबंधी, औपचारिक संबंधी, ये पढ़ लेना दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ह्यूरिस्टिक शिक्षण, ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर क्या है कि बच्चे को खुद खोजबीन करनी होती है, बच्चे को समस्या दे दी जाती है और वो खुद फाइंड आउट करता है कि इसका हल क्या होगा, किस तरह से हमें इसका हल निकालना है, बच्चा सोचता है इसके बारे में। अध्यापक की सहायता और परामर्श की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती, बच्चा खुद ही समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करता है। और ये इसमें देख लेना दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने इसमें दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगमन विधि की बात करते हैं, इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। देखिए आगमन विधि के अंदर क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले बच्चे को उदाहरण देते हैं, जैसे कि मान के चले हम किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल देंगे, सबसे पहले उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता रहे हैं उसको, तो उसको एग्जाम्पल देंगे ना, जैसे कि सेब है, सेब को ऊपर से छोड़ते तो नीचे गिरता है, या फिर कोई भी चीज़ लेंगे उसके सामने और उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, उदाहरण देंगे, तो क्या है कि बच्चा बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ पाएगा। आगमन विधि के अंदर उदाहरण दिया जाता है, ये देखिए जैसे इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आगमन उदाहरण, ठीक है, आगमन मीन्स उदाहरण, ठीक है। और इसमें क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है, और ये प्राथमिक स्तर पर ही सबसे अधिक अच्छी विधि है। प्राथमिक स्तर पे मीन्स जब बच्चा स्कूल में पढ़ने लगता है तब ये काफ़ी अच्छी विधि मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। आगे है हमारे पास निगमन विधि है, डिडक्टिव मेथड है दोस्तों। निगमन विधि में हम पहले नियम देते हैं, अब देखिए इसका भी आ गया ना, इसका भी देखिए हिंट मिल गया, निगमन विधि मतलब नियम, निगमन नियम, निगमन विधि में हम सबसे पहले नियम देते हैं बच्चों को और उसके बाद में हम किसी चीज़ का किसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। बच्चा नियम को आत्मसात करके तेजी से सीख लेता है, बाद में वह नियमों से नियम बनाना भी सीख लेता है।
जैसे मैथ का एग्जाम्पल ले, मैथ के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले से फिर हम अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, निगमन विधि कहेंगे। अब ये चीज़ समझ में आ गई ना, अच्छे से देखें, आगमन विधि के अंदर क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं, निगमन विधि के अंदर क्या करते हैं, नियम देते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बता दी है, आप याद रख लेना और कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। और इनसे रिलेटेड दोस्तों आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम लाइव मॉक टेस्ट में करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है, अगर कुछ यादें ताज़ा हुई है, कुछ किसी से क्वेश्चन वगैरह सुने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना दोस्तों। देखते हैं किस किस को क्या याद है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं और आपका लाइव मॉक टेस्ट लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं खुशखबरी दे देता हूं, अब आप फ्री में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सभी सब्जेक्ट के फ्री में स्टडी नोट्स, लाइव मॉक टेस्ट और ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। और ये सब आप कैसे ले सकते हैं मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपल गूगल में आना है और यहाँ पे लिखना है यूजीसी नेट और बाद में आपका सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, जैसे इसमें हिस्ट्री, स्टडी नोट्स और लास्ट में ntaugcnet.co.in। अब हम मान के चलते आपका सब्जेक्ट है होम साइंस, तो यूजीसीनेट होम साइंस, स्टडी नोट्स ntaugcnet.co.in। इसी तरीके से आपका फिलोसफी है तो फिलोसफी लिखना है, हिंदी है तो हिंदी लिखना है। और जैसे ही आप इन लिंक पे क्लिक करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हिस्ट्री का आपको एग्जाम्पल दिखाया है, यहाँ पे आपके सामने पीडीएफ आ गई, डाउनलोड पीडीएफ, यहाँ पे पीडीएफ आ गई, उसके बाद में ये वीडियोज आ गई आपके सामने, और उसके बाद में आपके सामने ये लाइव मॉक टेस्ट आ गए। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। तो और यहाँ पे बेस्ट बुक भी हमने आपको रिकमेंड की है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आप फ्री में ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे ले सकते हैं। इसका तरीका भी सिंपल है दोस्तों, आपको लिखना है यूजीसी नेट आपका सब्जेक्ट, जैसे होम साइंस, यूजीसी नेट होम साइंस ओल्ड पेपर, और लास्ट में आपको सिर्फ एक चीज लिखनी है ntaugcnet.co.in। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तब तक आपके सामने रिजल्ट नहीं आएगा। और आपको कुछ भी सर्च करना है तो आपको लास्ट में एक चीज जरूर लिखनी है ntaugcnet.co.in। उसके बाद में देखिए जैसे यहाँ पे ये आ गया, ये लिंक आ गया, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए ये यहाँ पे पेपर आ जाएंगे। ये देखिए ये पेपर, ये हमारी आंसर की है देखिए, और ये नीचे पेपर दिए हुए हैं। यहाँ से आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि पेपर फर्स्ट के सभी यूनिट के स्टडी नोट्स आप कैसे ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको लिखना है यूजीसी नेट टीचिंग एप्टीट्यूड 2023, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। 2023 से आपको लेटेस्ट स्टडी नोट्स मिलेंगे, और लास्ट में आपको एक ही चीज लिखनी है ntaugcnet.co.in। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड की जगह आप अपना जो टॉपिक है वो चेंज कर देना है। जैसे अगला सर्च रिजल्ट दिखाता हूँ आपको मैं, यूजीसी नेट रिसर्च एप्टीट्यूड 2023 ntaugcnet.co.in। तो इस तरह से दोस्तों आप पेपर फर्स्ट के भी सभी यूनिट के स्टडी नोट्स ले सकते हैं। और मैं आपको डेमो दिखा देता हूं, ये देखिए जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने ओपन किया है, तो यहां पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमने यहां पे जो थ्योरी है, थ्योरी यहां पे दी है हिंदी इंग्लिश में, यहां पे हमने दी है ताकि आप अच्छे से समझ सके। ये देखिए इंग्लिश में भी हमने चीजें लिखी हुई है ताकि आप आसानी से चीजों को समझ सके। और लास्ट में जब आएंगे आप तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग अलग किए हुए मिलेंगे। जैसे ये है शिक्षण और अधिगम के प्रश्न, और उसके बाद में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप फ्री में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सभी के स्टडी नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड में इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम देखते हैं और आपका लाइव मॉक टेस्ट लेते हैं। देखते हैं आप सभी को कितना कुछ आता है। सभी को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, और जो भी दोस्त इसका राइट आंसर देगा उसे हम मलेशिया के टूर पर ले चलेंगे। हाँ दोस्तों, मलेशिया के टूर पर चलेंगे हम जी। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे गूगल में आना है। तरीका मैंने आपको बताया, यूजीसी नेट टीचिंग एप्टीट्यूड 2023 ntaugcnet.co
.in लिखना है और नीचे हमारे सामने पोस्ट आ जाएगी। जैसे ही आप इस 2023 हिंदी में इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाएगी और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। टॉपिक नंबर 4, मेथड ऑफ टीचिंग। दोस्तों इससे रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन आए उन सभी को देखते हैं और आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सबसे सर्वोत्तम विधि है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। और हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या फिर क्वेश्चन आंसर मेथड, कौन सा होगा हमारा सबसे बेस्ट मेथड, इसका आंसर आप दीजिए। और अगर आपको इसका आंसर देखना है क्या आंसर होगा तो आप इस वेबसाइट पे आ जाना और तरीका मैंने आपको बताया हुआ है जी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये है, प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ सर्वाधिक उपयुक्त होगी इन ऑर्डर टू प्रमोट डायरेक्ट लर्निंग। डायरेक्ट लर्निंग के लिए दोस्तों हम किस तरह की टीचिंग करते हैं, कौन सा मेथड अपनाते हैं, टीम टीचिंग करते हैं या फिर प्रोजेक्ट मेथड या फिर लेक्चर मेथड या फिर डिस्कशन मेथड, क्या होगा इसका राइट आंसर, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और उससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण की समुदेशन विधि निम्नलिखित में से किसका संयोजन है। अब देखिए हिंदी में कई बार चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, इसलिए हमने यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए असाइनमेंट मेथड ऑफ टीचिंग इज ए कम्बिनेशन ऑफ, असाइनमेंट मेथड किस किस का कम्बिनेशन है वो हमें बताना है। इसके अंदर जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और लेबोरेटरी मेथड, इन दोनों का कम्बिनेशन है या फिर लेक्चर मेथड एंड फील्ड विजिट मेथड। आप खुद सोच के देखिए असाइनमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आपने बनाए ना 8th में 9th क्लास में असाइनमेंट बनाए हैं है ना, तो इसका आंसर दीजिए। कईयों ने तो लड़कियों से बनवाए होंगे, मेरे को पता है, खुद नहीं बनाए होंगे, लड़कियों से बनाए होंगे या फिर लड़कों से कईयों ने बनवाए होंगे लड़कियों ने, तो भाई बहन से भी बनवाए हुए होंगे तो शायद उनको नहीं पता जी। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, इसका आंसर दीजिए आंसर क्या होगा जी। अगला है दोस्तों, ब्रेनस्टॉर्मिंग एज ए मेथड कैन बी यूज फॉर, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो होता है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, क्या होता है इसके अंदर, आउट ऑफ थिंकिंग बॉक्स या फिर कोहेरेंट थिंकिंग, जनरेट न्यू आइडिया इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड मैंने आपको करवाया था ना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है इसका आंसर दीजिए आप जी। और इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन हैं, इन सभी 4 क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना, मैं आप सभी के क्वेश्चन का के आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों अभी हमने केवल 4 से 5 क्वेश्चन ही किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और भी हमारे बहुत से क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, 15 से 20 क्वेश्चन। अगर आपको वो सभी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा पेड कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना। ये पेड कोर्स दोस्तों पेपर फर्स्ट का है और इसमें आपको कम्प्लीट स्टडी मिलेगी। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, 2012 से लेके अभी तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी इसमें दिए जाएंगे, 2012 से लेके 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज अलग अलग किए हुए मिलेंगे क्वेश्चन। जैसे कि आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे रिसर्च के है वो अलग है, टीचिंग के अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, और इसमें दोस्तों सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग मिलेंगे। सब टॉपिक वाइज का मतलब क्या है, जैसे कि हम बात करें रिसर्च के अंदर, टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ सैंपलिंग, टाइप ऑफ हाइपोथीसिस, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। और प्लस में दोस्तों आपका लाइव मॉक टेस्ट होगा हमारी ऐप में, और वीडियोस के जरिए भी आपका लाइव मॉक टेस्ट लिया जाएगा। और किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010। और इसे ज्वाइन करने के लिए दोस्तों ये वेबसाइट पे हमने जो पोस्ट बनाई है इसके नीचे आ जाना सबसे लास्ट में, वहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताना, और एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, और आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और हम आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।